हे एवरीवन, सो फ्रेंड कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज से हम हमारी फर्स्ट क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि शरीरोक्रमणीय शरीर रचना शरीर का फर्स्ट चैप्टर है ये। और मैंने आपको वीकली शेड्यूल सेंड कर दिया है, और इसी वीकली शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपकी सारी क्लासेस होगी इस वीक में। अगर मैं इस वीक के एंड की बात करूँ, तो इस वीक के एंड में हमारे कौन कौन से टॉपिक कवर हो जाएंगे, तो रचना शरीर का शरीरोक्रमणीय शरीर पूरा कवर हो जाएगा, है ना। पदार्थ की अगर मैं बात करूँ, तो पदार्थ में मैंने आयुर्वेद निरूपण का एक लेक्चर जो है वो ऑलरेडी यूट्यूब पर ले रखा है, और उसका वीडियो आपको फ्री डेमो वीडियोस में भी मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद के लेक्चर जो है वो इस वीक में कवर हो जाएंगे। आयुष कामी अध्याय के भी मैंने 3 लेक्चर ऑलरेडी ले रखे हैं, एक लास्ट लेक्चर बाकी है जिसमें मैं चिकित्सा के चतुष्पाद और व्याधि को कवर करूंगा। तो इस तरह से हमारा जो आयुष कामी अध्याय चैप्टर है वो भी पूरा इस वीक में कवर हो जाएगा। अगर मैं मॉडर्न की बात करूँ, तो मॉडर्न फिजियोलॉजी में हम इस वीक में हमारा जो होम्योपैथिक सिस्टम है वो स्टार्ट कर देंगे, और 50% होम्योपैथिक सिस्टम हमारा कवर हो जाएगा। एनाटॉमी की बात करूँ, तो एनाटॉमी में भी हम ऑस्टियोलॉजी आज से स्टार्ट कर देंगे, और इस वीक में बेसिक्स कवर कर देंगे, और साथ में हम एक बोन जो कि क्लेविकल बोन उसे पूरा कवर कर देंगे। तो इस तरह से हमारा ये इस वीक का शेड्यूल रहने वाला है, और इस वीक में हमारे मेजर पोर्शन कवर हो जाएंगे। इस वीक में हम क्या करेंगे, जो लेक्चर की फ्रीक्वेंसी वो थोड़ी स्लो रखेंगे, बाकी नेक्स्ट वीक से हम क्या करेंगे, लेक्चर की फ्रीक्वेंसी को भी इंक्रीज कर देंगे। अब मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देखो, किसी किसी के कॉलेज में क्या हुआ है, ट्रांजिशनल करिकुलम अभी एड हुआ है, किसी कॉलेज में ट्रांजिशनल करिकुलम एंड हुए, एक महीना हो गया है, मतलब मेन पढ़ाई स्टार्ट हो गई है। तो जिसका अभी अभी ट्रांजिशनल करिकुलम एंड हुआ है, तो वो क्या कर पाएगा, अभी चीज़ों को इतनी जल्दी ग्रास्प नहीं कर पाएगा। इसलिए मैंने ऐसा सोचा है कि इस वीक में हमारी लेक्चर की फ्रीक्वेंसी जो होगी वो थोड़ी स्लो रहेगी, फिर नेक्स्ट वीक से हम क्या करेंगे, लेक्चर की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो ये तो मैंने आपको पूरा बता दिया कि किस तरह से हमारी क्लासेस चलेगी इस वीक में। अब जो लोग यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं, उनको भी मैं एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि अगर आपने अभी तक मेरा आयुर्वेदा विंग्स ऐप डाउनलोड नहीं किया है, तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसे आप डाउनलोड कीजिए। वहाँ पर मैंने BMS फर्स्ट फ्लोर का कंप्लीट कोर्स लॉन्च कर रखा है, और साथ में मैंने ऐसा लगता है ना कि किसी किसी को सिर्फ पर्टिकुलर सब्जेक्ट में लेना होता है, तो मैंने वहाँ पर पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज कोर्स भी लॉन्च कर रखा है। तो अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया, तो उसे आप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर एकदम लगातार टाइम टू टाइम आपको सारे लेक्चर्स मिलेंगे, और लेक्चर के साथ ही आपको लेक्चर्स के नोट्स मिल जाएंगे। मतलब आपको जो भी पढ़ना है उस टॉपिक पर आप क्लिक कीजिए, जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पर वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, और वीडियो लेक्चर के जस्ट नीचे आपको क्या मिल जाएंगे, वहाँ पर नोट्स मिल जाएंगे। तो वहाँ पर मैंने सारे चीज़ों को सिस्टेमेटिक वे में अरेंज कर रखा है। अगर आपको कोर्स लेना है नहीं लेना है वो तो अलग बात है, लेकिन एक बार ऐप को डाउनलोड करके सारे फीचर को जरूर देखिए, ठीक है, कि मैं किस तरह से वहाँ पर क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूँ। एकदम मिनिमम प्राइस मैंने सारी चीज़ों को वहाँ पर रखा है, ताकि सारे लोग क्या कर पाए, अफोर्ड कर पाए, ठीक है। चलिए, अब टाइम को ज़्यादा वेस्ट न करते हुए आज का हमारा जो टॉपिक है शरीरोक्रमणीय शरीर, उसे हम स्टार्ट करते हैं। तो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है शरीरोक्रमणीय शरीर, तो इस शब्द की अगर हम बात करें, तो ये शब्द जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक तो क्या है, शरीर, और दूसरा आपको दिखाई दे रहा है उपक्रम। शरीर का मतलब आप जानते हैं, और उपक्रम का मतलब होता है आरंभ। मतलब इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, शरीर के बारे में कंप्लीट डिटेल देखेंगे, शरीर की व्याख्या की देखेंगे हम, शरीर की उत्पत्ति देखेंगे, शरीर की निरुक्ति देखेंगे, शरीर के भेद देखेंगे, शरीर में कौन से अंग प्रत्यंग प्रेजेंट होते हैं, सडंग शरीर क्या होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो ये चैप्टर है वो पूरा किस पर रहने वाला है, शरीर पर रहने वाला है, और लास्ट में हम मृत संशोधन देखेंगे। तो इस तरह से पूरा टॉपिक हमारा रहने वाला है इस चैप्टर का। तो यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बात करेंगे, शरीर के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक यहाँ पर दिया गया है शरीर रचना की डेफिनेशन। तो देखो, शरीर को पढ़ने से पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि आखिरकार ये रचना शरीर होता क्या है, मतलब आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसका मतलब आखिरकार होता क्या है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एनाटॉमी का मतलब क्या होता है, तो आप झट से बोल देंगे कि सर एनाटॉमी का मतलब ये होता है कि स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। तो हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स प्रेजेंट है उनके स्ट्रक्चर को स्टडी करना, इसे हम क्या बोलते हैं, एनाटॉमी बोलते हैं। तो ठीक है, सही बात है आपकी। वैसे ही अगर हम आयुर्वेद की बात करें, तो आयुर्वेद में भी रचना शरीर का मतलब ये होता है कि रचना शरीर वह शास्त्र है जिसमें क्या किया जाता है, शरीर के अंग प्रत्यंग। अंग प्रत्यंग का मतलब क्या होता है, ऑर्गन्स। तो रचना शरीर वह शास्त्र है जिसमें क्या किया जाता है, शरीर के अंग प्रत्यंगों की रचना का अध्ययन किया जाता है।
तो आपको यहाँ पर एक श्लोक दिखाई दे रहा है, रचना प्रतिपादकम शरीरम इति रचना शरीरम, मतलब रचना शरीर वह शास्त्र है जिसमें क्या किया जाता है, शरीर के जितने भी अंग प्रत्यंग है उनकी रचना का अध्ययन किया जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं रचना प्रतिपादकम शरीरम इति रचना शरीरम, मतलब जिस शास्त्र में क्या किया जाता है, शरीर के अंग प्रत्यंग का रचना की रचना का अध्ययन किया जाता है, उस शास्त्रों को हम क्या कहते हैं, शरीर रचना विज्ञान कहते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पर उन्होंने सेकंड टॉपिक दिया है शरीर की व्याख्या, और मैं सारे जो टॉपिक है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग ला रहा हूँ, तो आप देखना सिलेबस को। जिन लोगों ने सिलेबस का वीडियो नहीं देखा है तो उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो एक बार उसे जरूर चेक कर लेना। ठीक है, कि मैंने वहाँ पर एकदम डिटेल में आपको पूरा सिलेबस एक्सप्लेन किया है। ठीक है, जहाँ पर मैंने एग्जाम पैटर्न के बारे में बताया है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो उसे आप चेक कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर बार बार मैं सिलेबस के बारे में बताऊंगा तो उससे क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, चलिए तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो जितने भी टॉपिक्स है वो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग आ रहा है। आप जो भी चैप्टर को देखना वहाँ सिलेबस में, जैसे कि देखना यहाँ पर आप शरीर क्रमणीय शरीर, तो यहाँ पर इन्होंने क्या दिया है, शरीर की व्याख्या दी है, मतलब शरीर की डेफिनेशन, फिर उसके बाद इन्होंने शरीर के मतलब अंग प्रत्यंग के बारे में टॉपिक दिया है। तो जो भी मैं टॉपिक ला रहा हूँ अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपको आपकी कोई भी चीज मिस ना हो। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं, यहाँ पर इन्होंने अगला टॉपिक दिया है वो क्या है, शरीर की उत्पत्ति। तो यहाँ पर इन्होंने एक श्लोक दिया है, शुक्र सोनितम जीव संयोगे तू खलु कुक्षिगते गर्भ संज्ञा भवति। तो देखो, अब शरीर को पढ़ने से पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि शरीर की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या श्लोक दिया है, शुक्र सोनितम जीव संयोगे तू खलु कुक्षिगते गर्भ संज्ञा भवति, मतलब यहाँ पर इन्होंने बोला है कि जब क्या होता है, शुक्र सोनित से क्या करता है, संयोग करता है गर्भाशय में, और जब उसमें क्या होती है, जीव आत्मा प्रवेश करती है, तो यहाँ पर किसका निर्माण होता है, शरीर का निर्माण होता है। और ये जो शरीर होता है कैसा होता है, पंच महाभौतिक होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आयुर्वेद शास्त्र में जितनी भी, मतलब आयुर्वेद शास्त्र क्या कहता है कि इस सृष्टि में जितनी भी चीजें हैं वो कैसी है, पंच महाभौतिक है, मतलब पांच महाभूतों से बनी हुई है। जैसे कि पांच महाभूत की बात करो तो कौन कौन से, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल और अग्नि। तो इन पांच महाभूतों से जितनी भी चीजें वो बनी हुई है, वैसे ही हमारा शरीर भी किससे बना हुआ, पंच महाभूतिक है। हमारा शरीर भी कैसा है, पांचों महाभूतों से मिलकर बना हुआ है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है कि देखो, जब क्या होता है, शुक्र सोनी से, मतलब जब क्या होता है, स्पर्म जो होता है वो ओवम से क्या करता है, फ्यूज करता है। तो जैसे कि अकॉर्डिंग टू मॉडर्न क्या होता है, स्पर्म ओवम से फ्यूज करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, है ना, उसके फ्यूजन बोलते हैं। फ्यूजन के बाद क्या होता है, पर जायगोट का निर्माण होता है। ठीक है, तो वैसे यहाँ पर क्या बोला इन्होंने, शुक्र सोनित से जब क्या करता है, संयोग करता है, कहाँ पर, गर्भाशय में, मतलब यूटेरस में। तो क्या होता है, इसमें जीवात्मा प्रवेश करती है और फिर क्या होता है, यहाँ पर मनुष्य शरीर का निर्माण होता है। मतलब यहाँ पर किसका निर्माण होता है, जिसके हम मॉडर्न की बात करें तो जब क्या होता है, स्पर्म ओवम से क्या करता है, फ्यूज करता है, तो किसका निर्माण होता है, पर जायगोट का निर्माण होता है। वैसे यहाँ पर इन्होंने क्या बोला कि जब शुक्र जो होता है सोनित से, मतलब ओवम से क्या करता है, संयोग करता है गर्भाशय में, और जब इसमें क्या होता है, जीव आत्मा प्रवेश होती है, तब क्या होता है, मनुष्य शरीर का निर्माण होता है। और यहाँ पर जायगोट को क्या बोला इन्होंने, अंकुर बोला, मतलब बीज का निर्माण होता है। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या होता है, जायगोट से फिर किसका निर्माण हो जाएगा, फिटस का निर्माण हो जाएगा, मतलब यहाँ पर मनुष्य शरीर का निर्माण हो जाएगा। तो इन्होंने क्या बोला, शरीर का निर्माण कैसे होता है, जब शुक्र जो होता है वो सोनित से क्या करता है, संयोग करता है, संयोग कहाँ पर करता है, वो गर्भाशय में करता है, और जब इसमें क्या होती है, जीव आत्मा प्रवेश करती है, तो इस तरह से यहाँ पर क्या होता है, मनुष्य शरीर का निर्माण होता है। ठीक है, अब देखो, अब मैंने क्या बोला कि शुक्र जो होता है वो सोनित से जब क्या करता है, संयोग करता है, संयोग करने पर गर्भ का निर्माण होता है, और ये जो गर्भ जो होता है या मनुष्य शरीर जो होता है क्या होता है, पंच महाभौतिक होता है। अब पंच महाभौतिक की बात करें तो गर्भ पर क्या होते हैं, पांचों महाभूत जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपना अपना काम करते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ वायु की, है ना, जैसे कि अगर मैं बात करूँ वायु की, तो वायु जो होती है वो क्या करती है, गर्भ का विभाजन करती है, गर्भ का क्या करती है, विभाजन करती है। अगर मैं आकाश की बात करूं तो आकाश क्या करती है, हमारे बॉडी में जितने भी क्या रिक्त स्थान है, मतलब खाली स्थान जो है वो किससे बने हुए हैं, आकाश से बने हुए हैं, मतलब ये हमारी मतलब ये हमारे शरीर को क्या करती है, रिक्तता प्रदान करती है, क्या करती है, रिक्तता प्रदान करती है ना, मतलब जितने भी खाली स्थान है
वहां पर वो किसका मतलब बना हुआ है, आकाश से बना हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करें किसकी, पृथ्वी की बात करें, तो पृथ्वी जो होती है वो क्या करती है, हमारे शरीर को क्या करती है, ठोस बनाती है। मतलब ये क्या करती है, घनता, घनता मतलब हमारे शरीर को क्या करती है, वो ठोस बनाती है ना। फिर उसके बाद अगर हम जल की बात करें, तो जल जो होता है वो क्या करता है, क्ले देता, हमारे शरीर को क्या करती है, क्लेदता प्रोवाइड करती है। उसके बाद अगर हम अग्नि की बात करें, तो अग्नि जो होता है वो गर्भ में क्या करता है, पाचन का कार्य करता है। तो इस तरह से क्या होते हैं, ये पांच महाभूत जो होते हैं वो क्या करते हैं, पांच महाभूत जो होते हैं क्या करते हैं, गर्भ पर काम करते हैं। और गर्भ पर काम करने पर जब इसमें क्या होती है, चेतना प्रवेश करती है, तो यहाँ पर फिर किसका निर्माण होता है, इसका निर्माण होता है, शरीर का निर्माण होता है। तो इस तरह से क्या होता है, जब शुक्र जो होता है सोने से संयोग करता है, संयोग कहाँ पर करता है, ये यूटेरस में करता है, मतलब गर्भाशय में करता है। और जब इसमें क्या होती है, जीव आत्मा मतलब क्या होती है, इसमें जब चेतना प्रवेश करती है, तो फिर किसका निर्माण होता है, यहाँ पर शरीर का निर्माण होता है। और ये जो शरीर होता है कैसा होता है, पंच महाभौतिक होता है, जिसमें वायु जो होती है वो क्या करती है, गर्भ को विभाजन का कार्य करती है। अगर मैं आकाश की बात करूँ तो रिक्तता प्रदान करती है, जल की बात करूँ तो क्लेदता प्रदान करती है, और अगर हम अग्नि की बात करें तो वो क्या करता है, गर्भ का पाचन करता है, और पृथ्वी की बात करते हैं तो पृथ्वी जो होता है वो क्या करता है, ठोस बनाता है, मतलब वो क्या करता है, घनता या डेंसिटी प्रोवाइड करता है हमारे शरीर को। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर पांच महाभूत का विकारों से, और जब इसमें क्या होती है, चेतना प्रवेश करती है, तो फिर किसका निर्माण होता है, यहाँ पर शरीर का निर्माण होता है। और अगर हम शरीर की परिभाषा की बात करें, तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला, तत्र शरीरम नाम चेतना अधिष्ठान भूतम पंच महाभूत विकार समुदायत्मक संयोग वाही। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यह जो शरीर होता है उसकी क्या परिभाषा होती है, शरीर जो होता है वो क्या होता है, पांच महाभूत के विकार प्लस जब इसमें क्या होती है, चेतना प्रवेश करती है, मतलब ये जो शरीर होता है चेतना का आश्रय होता है, और पांचों महाभूत के विकारों से जो बना हुआ होता है उसे हम क्या कहते हैं, शरीर कहते हैं। तब यहाँ पर देख सकते हैं जो क्या है, चेतना का आश्रय भूत है, और जो पंच महाभूत के विकार के समुदाय जो से बना हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं, शरीर कहते हैं। और यह शरीर क्या होता है, संयोगवाही होता है। संयोगवाही का मतलब क्या होता है कि शरीर में दोष धातु मल जो है जब तक क्या होंगे, साम्य अवस्था में रहेंगे, तब तक क्या होगा, हमारा शरीर जो रहेगा वो कैसा रहेगा, गति करता रहेगा, मतलब चलता रहेगा। और जैसे ही अगर मान लो शरीर के दोष धातु मल इनमें से अगर किसी में भी अगर मान लो क्या होती है, असाम्य अवस्था हो जाती है, तो हमारे शरीर में कोई ना कोई क्या होती है, विकृति पैदा होती है। तो मैंने क्या बोला, शरीर की परिभाषा क्या होती है कि शरीर जो होता है वो क्या होता है, चेतना का आश्रयभूत होता है, मतलब चेतना का क्या होता है, अधिष्ठान होता है ना। और ये पंच महाभूत के विकारों से, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि गर्भ में क्या होते हैं, पंच महाभूत जो होते हैं अपना अपना काम करते हैं, तो इसी को क्या बोलते हैं, पंच महाभूत के विकार। तो पंच महाभूतों के विकारों से उत्पन्न और जिसमें क्या होता है, चेतना का अधिष्ठान होता है, मतलब चेतना का क्या होता है, आश्रय होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उस समुदाय को हम क्या बोलते हैं, शरीर कहते हैं। ठीक है, और ये जो शरीर होता है कैसा होता है, संयोगवाही होता है। संयोगवाही का मतलब क्या हो जाएगा कि दोष धातु मल तब तक क्या होते हैं, साम्य अवस्था में रहते हैं, तब तक हमारा शरीर जो होता है क्या होता है, चलता रहता है। और जैसे ही अगर मान लो इनमें से किसी में भी क्या होती है, असाम्य अवस्था आती है, तो हमारे शरीर में कोई ना कोई क्या होती है, विकृति पैदा होती है। तो इस तरह से शरीर की डेफिनेशन क्या होती है, अगर हम श्लोक देखें तो तत्र शरीरम नाम चेतनाधिष्ठान भूतम समुदायत्मक संयोगवाही। और ये शरीर कैसा होता है, संयोगवाही होता है, चेतना का आश्रय होता है, और पंच महाभूतों के विकारों से बना हुआ जो शरीर होता है क्या कहलाता है, शरीर की डेफिनेशन होती है। ठीक, चलिए, तो अब देखो, अब यहाँ पर आप क्या करना, ये जो श्लोक है उसे आप इंपॉर्टेंट श्लोक है याद कर लेना। ठीक है, उसके बाद ये जो शुक्र सोनितम वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक है इसे भी आप याद कर लेना। ठीक है, और रचना शरीरम याद हो जाए तो अच्छी बात है, ये तो याद हो ही जाएगा, रचना प्रतिपादकम शरीरम इति रचना शरीरम, इसमें तो कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। ठीक, चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं शरीर शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है। तो शरीर शब्द जो है वो किससे मिलकर बना हुआ है, श्री धातु। श्री धातु में आप जब क्या करते हैं, इरण प्रत्यय करते हैं, क्या हो जाएगा, श्री धातु में जब आप क्या करते हैं, इरण प्रत्यय करते हैं, तो किसका निर्माण होता है, यहाँ पर शरीर शब्द का निर्माण होता है। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब क्या होता है, जिसमें लगातार शरण, जिसमें लगातार क्या हो, शरण या नष्ट की प्रक्रिया, नष्ट की प्रक्रिया, शरण या टूट फूट या नष्ट की प्रक्रिया चलती रहती है, उसे हम क्या कहते हैं, शरीर कहते हैं। आप श्लोक देख सकते हैं यहाँ पर, सीरियते इति शरीरम, मतलब ये जो शरीर शब्द है वो हिंसा अर्थ वाली श्री धातु, और उसमें जब आप क्या करते हैं, इरण प्रत्यय करते हैं, तो शरीर शब्द बनता है।
और इसका मतलब क्या होता है, जिसमें जीर्ण शीर्ण की प्रक्रिया मतलब क्षरण की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है उसे हम क्या कहते हैं, अशरीर कहते हैं। अब ये क्षरण का मतलब क्या होता है, क्षरण या जीर्ण शीर्ण का मतलब क्या होता है, जीर्ण शीर्ण का मतलब होता है टूट फूट, या क्षरण का मतलब क्या होता है डीकम्पोजिशन, ठीक है। तो जिसमें क्या होता है टूट फूट की प्रक्रिया या डिकम्पोजिशन की प्रक्रिया या क्षरण की प्रक्रिया चलती रहती है उसे हम क्या कहते हैं, शरीर कहते हैं। अब डिकम्पोजिशन का मतलब क्या हो जाएगा, डिकम्पोजिशन का मतलब ये होता है कि देखो, जब अगर मान लो आप क्या करते हो, बहुत दिनों तक खाना नहीं खाते हो, तो धीरे धीरे आपका शरीर जो होता है वो क्या होता है, नष्ट होते जाता है। उसमें क्या होता है, टूट फूट की प्रक्रिया क्या होती है, स्टार्ट हो जाती है। मतलब आपका शरीर जो होता है वो क्या करना चालू कर देता है, उसमें डिकम्पोजिशन की जो प्रोसेस होती है, मतलब डिकेइंग की प्रोसेस जो होती है, स्टार्ट हो जाती है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, शरीर कहते हैं। मतलब जिसमें क्या हो रहा है, क्षरण की प्रक्रिया हो रही है, जिसमें डिकम्पोजिशन की प्रोसेस हो रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, शरीर कहते हैं। और जो शरीर शब्द है वो श्री धातु में जब आप क्या करते हो, इरण प्रत्यय करते हो, तो शरीर शब्द की क्या होती है, व्युत्पत्ति होती है। देखो एक चीज आपको बता दूं कि संस्कृत में जितने भी शब्द जो है उनमें कोई ना कोई प्रत्यय लगा हुआ रहता है, उपसर्ग लगा हो या न लगा हो ये तो अनिवार्य नहीं है, लेकिन संस्कृत में जितने भी शब्द होते हैं उनमें क्या होता है, कोई ना कोई प्रत्यय लगा होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, शरीर शब्द की बात करते हैं तो शरीर शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है, यहाँ पर इरण प्रत्यय लगा हुआ है, और धातु कौन सी है, स्त्री धातु है। और ये जो प्रत्यय जो होते हैं वो किससे जुड़े होते हैं, शब्द और धातु से जुड़े होते हैं। और संस्कृत में कोई भी वर्ड होता है उसके पीछे क्या होता है, प्रत्यय लगा ही रहता है ना। तो वैसे ही अगर हम शरीर की बात करें तो शरीर में भी क्या लगा हुआ है, प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, पर इरण प्रत्यय लगा हुआ है। हम संस्कृत में देखेंगे, जब हम प्रत्यय चैप्टर देखेंगे तो आपको मैं डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। चलिए, तो शरीर शब्द किससे बना हुआ है, श्री में आप क्या करते हो, इरण प्रत्यय करते हो, यहाँ पर शरीर शब्द की क्या होती है, व्युत्पत्ति होती है। जिसका मतलब क्या होता है, जिसमें लगातार क्या हो, क्षरण की प्रोसेस चलती हो, डिकम्पोजिशन की प्रोसेस चलती हो, उसे हम क्या कहते हैं, शरीर कहते हैं। जिसमें जीर्ण शीर्ण टूट फूट की प्रक्रिया चलती है उसे हम क्या कहते हैं, शरीर कहते हैं, ठीक। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है, शरीर की निरुक्ति। तो यहाँ पर एक श्लोक दिया गया है, शीर्यते प्रतिक्षणम अपच्यत इति शरीरम। मतलब शरीर क्या होता है, ये वाचस्पति के अनुसार है। तो इन्होंने क्या बोला, जिसमें प्रतिक्षण क्षरण एवं अपचय है ना, टूट फूट की प्रक्रिया होती रहती है, उसे हम क्या कहते हैं, शरीर कहते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, ठीक। चलिए उसके बाद अगर हम शरीर के भेद की बात करें तो शरीर को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक तो क्या होता है आपका स्थूल शरीर, और दूसरा क्या होता है, सूक्ष्म शरीर। अगर हम स्थूल शरीर की बात करें तो यहाँ पर आप श्लोक देख सकते हैं, यह श्लोक आपको याद नहीं करना है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक। चलिए तो आप श्लोक को देखिए, आप स्यात् पंचकृत भूतत्वो देह स्थूलो अत्र संज्ञक जायते अस्ति वर्धते विपरिणमने अपक्षीयते विनश्यतीति षड् भाव विकारः। मतलब ये जो शरीर है, पंच महाभूत से जो बना हुआ देह शरीर जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्थूल शरीर कहते हैं। और जब इसमें क्या हो जाती है, आत्मा इंटर कर जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सूक्ष्म शरीर कहते हैं। मैंने आपको बोला था ना कि जो शरीर जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है, पंच महाभूत प्लस जब इसमें क्या होती है, चेतना इंटर करती है, तो यहां पर किसका निर्माण होता है, शरीर का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, यहाँ पर शरीर का निर्माण होता है। और अगर हम इस पंच महाभूत की बात करें तो पंच महाभूत से उत्पन्न जो देह होता है वही क्या कहलाता है, स्थूल शरीर कहलाता है। जैसे कि आपको मेरा शरीर दिखाई दे रहा है, ये कौन सा शरीर है, स्थूल शरीर है। और मेरे अंदर जो आत्मा है वो कौन सी शरीर है, वो सूक्ष्म शरीर है, सबचल बॉडी है वो, है ना। तो आत्मा जो है वो कौन सी शरीर होती है, सूक्ष्म शरीर। और आपको जो मैं दिखाई दे रहा हूँ है ना, जो किससे बना हुआ, पंच महाभूतों से बना हुआ है, तो पंच महाभूतों से निर्मित देह जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्थूल शरीर बोलते हैं, जो कि आपको ये दिखाई दे रहा है ना। और अदृश्य शरीर जो होता है ना, स्थूल शरीर में स्थित जो अदृश्य शरीर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आत्मा, जिसको हम क्या बोलते हैं, आत्मा बोलते हैं। ये क्या होती है आपकी, सूक्ष्म शरीर होती है। ये क्या होती है आपकी, सूक्ष्म शरीर होती है, ठीक है। तो इस तरह से शरीर को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, एक तो क्या होता है आपका स्थूल शरीर, जो कि पंच महाभूत से निर्मित होता है, और दूसरा आपका कौन सा शरीर होता है, सूक्ष्म शरीर होता है, ठीक है। तो ये देखिए, अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखिए, पंच महाभूत से उत्पन्न देह वो क्या कहलाता है, स्थूल शरीर कहलाता है। और इसमें छह भाव प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से छह भाव, जायते अस्ति वर्धते विपरिणमने अपक्षीयते और विनश्यति। अगर हम जायते की बात करें, जायते का मतलब क्या होता है, उत्पन्न होना, जैसे कि मैंने आपको बताया था किससे उत्पन्न होता है,
जब क्या होता है शुक्र और शनि मिलते हैं तो यहाँ पर किसका निर्माण होता है, शरीर का निर्माण होता है। और फिर इसमें चेतना क्या करती है या जीव आत्मा क्या करती है, इंटर करती है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है यहाँ पर शरीर का निर्माण होता है। तो जब शुक्र शनि मिला था तो यहाँ पर कौन सा शरीर का फॉर्मेशन हुआ, आपके स्थूल शरीर का। फिर इसमें क्या हो, जीव आत्मा मतलब सूक्ष्म शरीर आ गया। तो इस तरह से फिर संपूर्ण शरीर का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। तो जो क्या हो, उत्पन्न हो, है ना, मतलब जायते, इसके एक भाव होता है। दूसरा भाव क्या होता है, अस्थि, जो मतलब क्या हो, टिके रहे। उसके बाद वर्धते, जो क्या हो, बढ़े, जो क्या हो, जिसमें वृद्धि हो। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी, विपरिणमने, मतलब जो अवस्थाओं में परिणित होना, मतलब जिसमें क्या हो, होम्योस्टेसिस की प्रोसेस भी हो, ठीक है। उसके बाद हम बात करें इसकी अपक्षयते, अपक्षयते मतलब क्षीण होना, जिसमें क्या हो, क्षरण की प्रोसेस हो, डिकम्पोजिशन की प्रोसेस हो। उसके बाद अगर बात करते विनिश्चयति, मतलब जिसमें नष्ट या विनाश होना, मतलब विनाश कैसे होगा, जब हमारे ये जो देह दिखाई दे रहा है, जब आपको क्या दिखाई दे रहा है, स्थूल शरीर दिखाई दे रहा है, इस स्थूल शरीर में से अगर मान लो आत्मा निकल जाती है, मतलब आपका सूक्ष्म शरीर निकल जाता है, तो फिर क्या हो जाता है, इस शरीर का क्या होता है, नष्ट हो जाता है, मतलब ये शरीर क्या होता है, मिट्टी मिल जाता है। जैसे कि आपकी क्या होती है, मृत्यु होती है, तो क्या होता है, आत्मा निकल जाती है। जब आत्मा निकल जाती है तो आपका शरीर जो होता है क्या होता है, मिट्टी में मिल जाता है, मतलब इसका क्या होता है, नष्ट हो जाता है। तो इस तरह से जो स्थूल शरीर है, इसके कितने भाव होते हैं, 6 भाव होते हैं। एक तो क्या होता है, जायते, दूसरा होता है अस्थित, तीसरा क्या होता है, वर्धते, विपरिणमने, अपक्षयते, और जो क्या हो, जिसमें नष्ट की प्रक्रिया चले, जिसे हम क्या बोलते हैं, विनिश्चयति, ठीक। हाँ, तो ये षट भाव है, और इन्हीं षट भाव के विकारों से युक्त शरीर को हम क्या बोलते हैं, स्थूल शरीर बोलते हैं। तो पंच भावभूत से निर्मित शरीर को हम क्या बोलते हैं, स्थूल शरीर बोलते हैं, है ना। और जो स्थूल शरीर जो होता है, इसमें कितने भाव प्रेजेंट होते हैं, 6 भाव प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से 6 भाव, अस्थि, वर्धते, विपरिणमने, विनिश्चयति, अपक्षयते, और क्या हो जाएगा आपका, अस्थि जायते, ठीक, जो क्या हो, उत्पन्न हो। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अगला जो शरीर होता है, कौन सा, सूक्ष्म शरीर। तो स्थूल शरीर के अंदर स्थित जो शरीर होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सूक्ष्म शरीर बोलते हैं। ये क्या होता है, अदृश्य शरीर होता है, और इसे हम क्या बोलते हैं, लिंग शरीर भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए, अब इस स्थूल शरीर को चलाने वाला, इस स्थूल जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको चलाने वाला जो अदृश्य शरीर होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सूक्ष्म शरीर बोलते हैं। इसे लिंग शरीर भी कहा गया है। अब लिंग शरीर क्यों कहा गया है, क्योंकि ये क्या करता है, लगातार क्या करता है, ये प्रवाह, मतलब एक से दूसरे में क्या करता है, इंटर करते रहता है। जैसे कि अगर मान लो आपको मेरा जो स्थूल शरीर दिखाई दे रहा है ना, अगर इसमें से मान लो आत्मा निकल जाती है, तो आत्मा क्या हो जाएगी, आत्मा कभी नष्ट नहीं होती है। आत्मा एक बॉडी से दूसरे बॉडी में क्या करती है, इंटर करती है। ना तो आत्मा उत्पन्न होती है, ना आत्मा नष्ट होती है, ये क्या होती है, गतिशील होती है। एक शरीर से को छोड़ने के बाद दूसरे शरीर में क्या कर जाएगी, ये इंटर कर जाएगी, ठीक। तो यहाँ पर आप देखिए व्युत्पत्ति इसकी देख सकते हैं, लयम गच्छति लिंगम, मतलब जो प्रयत्न क्या हो, चलता रहे। मैंने बोला ना कि हमारी आत्मा कभी नष्ट नहीं होती है, अगर एक शरीर को छोड़ती है तो दूसरे शरीर में क्या कर जाती है, प्रवेश कर जाती है। मतलब जो प्रवेश तक चलता रहे, उसे हम क्या कहते हैं, लिंग शरीर बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, सूक्ष्म शरीर बोलते हैं, ठीक। और इनमें कौन से भाव प्रेजेंट होते हैं, निम्न भाव प्रेजेंट होते हैं, इसका श्लोक यहाँ पर दिया गया है, याद करने की जरूरत नहीं है आपको। तो पढ़ते हैं श्लोक, क्या है, पूर्वोत्पन्नम असक्तम नियतम महदादि सूक्ष्म पर्यंतम संचरति निरोपभोगम भावय अधिवासितम लिंगम। मतलब यह सूक्ष्म शरीर जो होता है, क्या होता है, पूर्वोत्पन्न, मतलब पहले से ही इसकी क्या होती है, उत्पत्ति होती है, असक्त होता है, नियत होता है, मतलब लगातार होता है, महत होता है, आदि सूक्ष्म पर्यंत से बना हुआ, संचरणशील होता है, मतलब एक शरीर से दूसरे शरीर में क्या करता है, प्रवेश करता है, भोग रहित भाव से युक्त, और कैसा होता है, लिंग रूप होता है। तो हमारी जो आत्मा जो है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सूक्ष्म शरीर बोलते हैं। और आत्मा कभी नष्ट नहीं होती है, और ये क्या करती है, एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में क्या करती है, प्रवेश करती है। और जिस भी शरीर को ये छोड़ती है, मतलब स्थूल शरीर को छोड़ती है, तो उस स्थूल शरीर का क्या होता है, नाश हो जाता है, वो क्या होता है, मिट्टी में मिल जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आज के इस लेक्चर में हमने क्या देखा, पूरे शरीर की डिटेल्स को देखी, शरीर की व्युत्पत्ति को देखा हमने, शरीर की निरुक्ति को देखा हमने, शरीर के भेद को देखा, ठीक है। अब नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में हम क्या करेंगे, सडंग शरीर को देखेंगे, अंग प्रत्यंग को देखेंगे, शारीर को देखेंगे, और फिर उसके बाद एक और लेक्चर आएगा इसका, जिसमें मृत संशोधन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये जो पूरा टॉपिक है, करीबन 3 से 4 लेक्चर में पूरा कवर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप मेरे को ग्रुप में पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।